ज्यादा होगा तो अगली बारी आएगी अन्न प्राशन संस्कार की। जब बच्चे को पहली बार कुछ खिलाया पिलाया जाता है, गरीब अगर है नारी हो तो घर में दूध में रोटी चूर करके बच्चे को खिला देगी, अगर चार किताबें ज्यादा पढ़ी लिखी है तो फिर जाएगी मेडिकल स्टोर पर, सप्लीमेंट्री फूड के नाम पर, पूरक आहार के नाम पर मार्केट में बहुत सारी कचरा पट्टी बिक रही है, खरीद कर ले आएगी। नाम तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे भाई बहनों ऐसी बहुत सारी बाजार में बच्चों को एनर्जी फूड के नाम पर बहुत सारी कचरा पट्टी बिक रही है। याद रखना, आप बाजार में बिकने वाले इन एनर्जी फूड को या फिर सप्लीमेंट्री फूड को अपने बच्चों को दे रहे हो तो कचरा पट्टी है, बिल्कुल कचरा पट्टी खिला रहे हैं। आप जानते हो ये सारी चीजें कैसे बनती है? मूंगफली का तेल निकल जाए उसके बाद जो खल बचती है उस खल में गेहूं और बेसन के आटे को सेक करके मिला दिया जाता है, थोड़ा सा कलर फ्लेवर और सेक्रिन मिला दिया जाता है और 30 रुपए किलो का आइटम जिसको भैंसे खाती है। बोलो खल कौन खाता है, इंसान खाते हैं या भैंसे खाती हैं? भैंस ही खाती है। उसी 30 रुपए किलो का आइटम जिसको भैंसे खाती है 350 रुपए के डिब्बे में बढ़िया से अच्छे से पैकिंग में पैक करके हमको दे दिया जाता है। और हम पढ़े लिखे मूर्ख, आधुनिक भाषा में कहूं तो एजुकेटेड इडियट्स, बड़े शान से हम लोग उस डिब्बे को लेके आते हैं घर पे, विचार करते हैं कि मारो छोरो खासी और घटोत्कच बन जासी, मारी छोरी खासी और हिडिंबा बन जासी। बोलो आज तक किसी का बना जो आपका बनेगा? एक बाजरे की रोटी में जितनी ताकत होती है इतनी भी इन सारी चीजों में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको दुनिया के सामने अपने पैसों का रोब दिखाना है कि हम इतने बड़े गो भक्त हैं, हम इतने बड़े मेरे भाई बहनों स्टैंडर्ड लोग हैं कि हमारे बच्चे सेरेलक या फिर अन्य और इस तरह के जो सप्लीमेंट्री फूड आते हैं वो खाते हैं। खिलाना पिलाना बहुत, लेकिन प्रथम 7 दिन बिल्कुल नहीं। जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक तो ऊपर से कुछ भी खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार का सर्वोत्तम आहार है माँ का दूध, इसलिए प्रयास कीजिए कि जब तक माँ का दूध पी रहा है तब तक बच्चे को ऊपर से नहीं खिलाना पिलाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ के दूध की कमी होती है, बच्चे का जन्म तो हो गया लेकिन माँ के दूध ही नहीं आ रहा है तो क्या करे, फिर तो मजबूरी में भी ऊपर से खिलाना पिलाना पड़ेगा। अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई ने दूसरी माँ यानी कि गाय माता जी का दूध हम पिला सकते हैं उस बच्चे को, लेकिन वो भी कैसे, दूध में बराबर पानी डाल के फिर उसको उबालिए, फिर जो मलाई आए उसको भी निकाल करके और फिर बच्चे को पिला रहा है, क्योंकि बच्चे का पेट अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो दूध पचा सके। माँ का दूध तो आसानी से पचा पाएगा, बाकी दूध पचाने में दिक्कत आएगी। और मेरे भाई बहनों कई कई माताएं तो क्या करती हैं, बोतलों का दूध पिला देती है, थैलियों का दूध पिला देती है बच्चों को। इन बोतलों के दूध से तो दूर ही रहना, क्योंकि इस बोतल की आदत को बचपन से पकड़वा दिया तो वो बुढ़ापे तक नहीं छूटेगी। छोटा था तब दूध की बोतल हाथ में ली, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर वो कोको कोला की बोतल हाथ में ली, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो ठेके पे जाकर के शराब की बोतल की आदत पड़ गई और शराब पी पी करके किडनियां मेरे भाई बहनों फेल हो गई, तो बुढ़ापे में फिर हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतलों के सहारे जिंदा रहना पड़ा। ये बोतल का चक्कर बचपन से शुरू होगा, वो 55 तक भी खत्म नहीं होगा, इसलिए बोतलों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर माँ के दूध नहीं आ रहा है तो समाधान सुन लीजिए, गौ माता की कृपा से ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी नारी के दूध की कमी है तो 400 ग्राम गाय माता का दूध ले लें। 400 ग्राम गाय माता के दूध में 2 चम्मच शतावरी चूर्ण जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिलती है, शतावरी चूर्ण 2 चम्मच उसमें डाल दीजिए और सुबह शाम उस नारी को पिलाइए, दूध पर्याप्त मात्रा में आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे भाई बहनों दूध की कमी नहीं रहेगी। तो जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है ऊपर से कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। लेकिन अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है, लग रहा है कि सिर्फ दूध से तो बच्चे का पेट भर नहीं रहा है, इसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों प्रथम 7 दिन तक पंचगव्य चटाइए। पंचगव्य किसको कहते हैं आप जानते हैं क्या? सुन लीजिए, 1 चम्मच गाय माता जी का दूध, 1 चम्मच दही,
एक चम्मच घी, एक चम्मच गोमूत्र, एक चम्मच गोबर का रस, इन पांचों चीजों के कहते हैं पंचगव्य। इन पांचों को मिला करके और सोने की सिलाई से उस बच्चे के जीभ पर ओम बनाया। फिर दूसरे दिन उस बच्चे को पंचगव्य चटाइए, ज्यादा नहीं जबरदस्ती करनी, चाटे ठीक है बंद कर दे तो आप भी रुक जाइए। लगातार 7 दिन तक आप अपने बच्चे को पंचगव्य चटाइए, उसके बाद ही ऊपर से कुछ खिलाइए पिलाइए। इससे ये होगा कि परमात्मा ना करे आपके बच्चे ने भविष्य में जहर भी पी लिया तो भी उसकी तुरंत मृत्यु नहीं होगी, आपको मेरे भाई बहनों नजदीकतम किसी भी शहर में ले जाकर के दिखाने जितना समय मिल जाएगा। और इसका प्रमाण भागवत जी में है। पूतना नाम की राक्षसी आई, कन्हैया को जहर पिला के चली गई, लेकिन कन्हैया जी का बाल भी बाका नहीं हुआ क्योंकि माता यशोदा ने इसे पहले ही पंचगव्य चटा रखा। तो आप भी प्रथम बार बच्चे को पंचगव्य चटाइए, उसके बाद ही कुछ खिलाना पिलाना प्रारंभ कीजिए। बोलो वो माता की।